सुपर सॉफ्ट और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ये बर्फी बनकर के रेडी हुई। नमस्कार मित्रों, नमिता की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जाड़े का मौसम शुरू हो गया है और जाड़े में जब धूप में बैठकर कुछ मीठा खाने का मन पड़ता है तो उस समय मैंने बनाया हुआ है एक स्पेशल सी रेसिपी, तिल, गुड़ और मूंगफली की बर्फी, जो खाने में बहुत ही सॉफ्ट है, उतनी ही टेस्टी है, उतनी हेल्दी भी है, क्योंकि गुड़ का प्रयोग मैंने किया है तो गुड़ आयरन से भरपूर है, बहुत ही टेस्टी है। ज़्यादा सी बना करके रख लें और जाड़े भर इसका स्वाद लें। ये तो आइए आज हम देखते हैं कि ये तिल, गुड़, मूँगफली की बर्फी को कैसे बनाएंगे। गुड़ मूँगफली की बर्फी बनाने के लिए मैंने तिल ली हुई है, ये तौल में देखा जाए तो 250 ग्राम के आसपास से वन बाउल है, और मैंने कुछ व्हाइट सफ़ेद वाली तिल को लिया हुआ है। सबसे पहले मैंने गैस में चढ़ा दिया है एक पैन, पैन को हल्का सा गर्म कर किया हुआ है और इसमें सभी तिल को डाल करके रोस्ट करेंगे, सूखा ही रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे गैस की फ्लेम को धीमी पे रखेंगे और कम से कम 10 से 12 मिनट तक हमको इसको रोस्ट करने में टाइम लगेगा। तो देखिए, थोड़े से ये तिल भून गए हैं, इनका कलर भी बदल गया है और सबसे बड़ी बात देख रहे होंगे पट पट की आवाज़ सी आ रही है। तिल थोड़ा सा भून गए हैं, थोड़ा, लेकिन अभी पूरे भुने नहीं हैं, ये थोड़ा सा हम और 5-7 मिनट भूनेंगे इनको ताकि इनसे अच्छी अच्छी से महक आने लगेगी। देखिए, तिल भुन गए हैं, कलर बिल्कुल बदल सा ब्राउनिश सा हो गया है और सबसे बड़ी पहचान ये है कि थोड़े से तिल हम हाथ में लेकर के इस तरह से यदि हम रगड़ के पास में लगा कर सूंघते हैं तो बहुत ही सोंधी सोंधी भुनी भुनी सी खुशबू इसमें आ रही है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको तिल को एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब मैंने तिल को निकाल लिया है एक प्लेट में और आप देख रहे होंगे तिल कुछ फूले फूले से भी भुनने के बाद में दिखने लगे हैं। इसी फ्लेम में हम डालेंगे वन बाउल मूंगफली, तौल में देखा जाए तो ये 200 ग्राम के आसपास मूंगफली, इसको भी धीमी आंच में रोस्ट करेंगे, सूखा ही भूनेंगे। 3-4 मिनट में भुन जाएगी मूंगफली, इतना भूनना है कि इसके छिलके आसानी से उतर जाएंगे। देखिए, मूंगफली को भूनते हुए 5-7 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह से मूंगफली भुन गई है और किसी भी मूंगफली का यदि हम इस तरह से रगड़ते हैं तो बिल्कुल छिलका आसानी से उतर रहा है, यानी कि हमारी मूंगफली अच्छी तरह से भुन गई है। अब हम इसको भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए, सभी मूंगफलियों को मैंने इस तरह से निकाल लिया एक प्लेट में और इसी पैन में अब हम डाल देंगे आधा बाउल पानी। मैंने आधा बाउल पानी इसमें डाल और साथ में लेंगे चाशनी बनाने के लिए एक बाउल गुड़। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, तौल में देखा जाए तो ये 250-300 ग्राम के आसपास गुड़ है। एक बाउल गुड़ है तो इसलिए मैंने आधा बाउल इसमें पानी डाला हुआ है, पानी में उबाल भी आने लगा। अब इस सारे गुड़ को इसमें डाल देंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, बराबर इसको चलाएंगे, जब तक गुड़ पिघल नहीं जाता तब तक बराबर चलाएंगे, नहीं तो कभी कभी पेंदी में गुड़ चिपकने की आशंका रहती है और अच्छी गाढ़ी सी चाशनी बनने का इंतज़ार करेंगे। जब तक गुड़ पिघल रहा है, उसकी चाशनी बन रही है, तब तक हम इस मूंगफली के छिलकों को पूरी तरह से निकाल देंगे और इसको हल्का सा मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तिल ठंडे हो गए हैं, तिल को मैंने ठंडा कर लिया है। अब हम एक मिक्सी के जार में इसको हल्का दरदरा सा ग्राइंड करेंगे, हल्का दरदरा ही पीसेंगे फ्रेंड। थोड़ी थोड़ी देर में मिक्सी को रोक के चलाते हुए इसको हल्का ग्राइंड करेंगे। देखिए, तिल को मैंने इस तरह से दरदरा पीसा हुआ है, अब मैं पास से भी आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने हल्का दरदरा, फाइन पेस्ट, फाइन पाउडर नहीं बनाया हुआ है, इसको दरदरा ही रखा है। इस प्रकार से मूंगफली को भी मैंने हल्का दरदरा ही क्रश किया हुआ है और देख रहे होंगे इसके थोड़े थोड़े से टुकड़े भी मैंने रखे हैं। जब ये क्रंची क्रंची से मुँह में आते हैं तो बहुत ही सोंधे सोंधे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से दोनों को पीस के रखा हुआ है, तब तक चाशनी रेडी हो रही है। और इसके पहले भी मैंने एक थाली ली हुई है, आप कोई भी बराबर का बर्तन ले सकते हैं, बाट वाला थाली ले सकते हैं, ट्रे ले सकते हैं इस तरह से, और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा मैंने घी, हल्का सा घी डाल दिया है। इसको इस तरह से बराबर से सबको ग्रीस करके रख लेंगे। देखिए, चाशनी भी होने वाली है। चाशनी की पहचान मैं पहले भी कई बार दिखा चुकी हूँ, चाहे गुड़ की चाशनी हो, चाहे शक्कर की चाशनी हो,
एक बाउल में हम लेंगे पानी और इसको इसकी बूंद इस पे गिराएंगे। देखिए हमको इतनी चाशनी चाहिए कि बिल्कुल बूंद ड्रॉप जमे नहीं। हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है और काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हुई है। इसके अलावा मैं आपको इसको पास से भी दिखाती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा हाथ में लेके ठंडा करेंगे और इस तरह से जब चिपचिप आएंगे तो अच्छी चिपचिपी सी बिल्कुल चाशनी रेडी हो गई है। गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और जो तिल का मैंने पाउडर बनाया हुआ था इसको इसी में डालेंगे, लेकिन बराबर चलाएंगे, सबको मिक्स करेंगे। और इसी के साथ में ये मूंगफली वाला पाउडर भी इसी में डाल देंगे। जब हम तिल, गुड़ और मूंगफली वाली ये बर्फी बनाते हैं तो सबसे ख़ास बात इसमें ये रहती है कि इसमें कोई भी फ्लेवर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो तिल का फ्लेवर है भुना भुना सा, सौंधा सा, और मूंगफली का जो फ्लेवर है वो ओरिजिनल इतना टेस्टी लगता है, बहुत ही सौंधा सौंधा इसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही है। तिल को मैंने धीमी आंच में बहुत ही अच्छी तरह से भुना हुआ था, इसलिए आप भी ध्यान रखें तिल को अच्छी तरह से धीमी आंच में रोस्ट करें, तभी तिल की बर्फी आपकी भी बहुत ही सौंधी सौंधी, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगी। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, क्योंकि ये एक बिल्कुल देख रहे होंगे डो के फॉर्म में आ गया है। रिस्क की हुई पहले से मैंने प्लेट रखी हुई थी उसमें इसको ट्रांसफ़र करेंगे। इसकी देखिए इस तरह से इसको ऊपर से सबको मैंने थोड़ा थप थपा के लेवल पे कर दिया है। इसकी मोटाई आप चाहे थोड़ी सी और भी रख सकते हैं और चाहे थोड़ा पतला बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ रखा हुआ है। बस इसको एक आध घंटे तक इसी तरह से हल्का सा ढांक देंगे, ठंडा होने देंगे, फिर इसमें कट के निशान बनाएंगे। आधा घंटा हो गया, देखिए थोड़ी थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है। अभी इसको मैं चाकू से इसमें कट के निशान लगा दूँगी। ये निशान चौड़ा, ज़्यादा, छोटा, बड़ा आप अपने मन के अनुसार कर सकते हैं। मैं इस बर्फ़ी के आकार में मैं इसको काटूंगी, इसलिए इसको इस तरह से खड़े खड़े निशान लगा देंगे। इसमें आप चौकोर किसी भी रूप में इसको काट सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट ये बर्फ़ी बन करके रेडी होगी। अभी इसको निकालेंगे नहीं, अभी इसको अगर आपको जल्दी है तो इसको एक आध घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, और नहीं तो नॉर्मल ऐसे ही ढाँक के हम दो घंटे के लिए इसको रख देंगे, तब फिर इसको पीसेस को अलग करेंगे। देखिए दो घंटे हो गए हैं और अच्छी तरह से ये बर्फ़ी जम भी गई है। मैंने इसको बाहर ही रखा था, फ्रिज में नहीं रखा, आसानी से ये कट रही है और बहुत ही सुपर सॉफ्ट। देखिए इस तरह से आसानी से सब बर्फ़ी कट रही है, मैं पास से भी आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से सभी बर्फियों को हम काट लेंगे फटीफट। तिल, गुड़ और मूंगफली की बर्फी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ज़्यादा सी आप बना करके रख लें और फिर इसको स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे जाड़े भर इसका आनंद लिया जा सकता है। ख़राब भी नहीं होती है महीनों तक, लेकिन तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने बताई हुई हैं उसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी बर्फ़ी भी इतनी ही शानदार, इतनी ही सुपर सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बन करके बिल्कुल रेडी होगी। तो फ्रेंड्स, ये फटाफट बनने वाली तिल, गुड़, मूंगफली की बर्फ़ी की रेसिपी अगर आपको पसंद आती हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर आपके आंसर का हमको इंतज़ार रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँचें।